वास्तविकता है उस राह की जिसे कुदरत ने तोहफे में दिया है। भूल जाते हैं अपना और पराया, करुणा ही इसकी छाया है। प्रज्ञा से दीप जलते हैं इस राह पर जिसे सुगत ने आजमाया है। लौट आया है फिर से एक बार जिसे सदियों पहले जमीन में दफनाया गया है। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपने वे अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो बिहार राज्य के नालंदा जिले के इस्लामपुर मंडल के बेसवाक इस गाँव का है। इससे पहले भी आपको बेसवाक इस गाँव के बारे में जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से दी गई थी। हम फिर एक बार यहाँ पर जाने वाले हैं और बहुत सारे जो तथ्यों के साथ आपके सामने यहाँ की जो जानकारी है और यहाँ के जो अवशेष है वे आपके सामने रखने की कोशिश करने वाले हैं। बेसवाक यहाँ पर एक बहुत बड़ा विहार हुआ करता था और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से स्तूप हुआ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर हमें सिर्फ भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं जो इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हुई है, यहाँ पर के एक माता के मंदिर में है और साथ ही साथ यहाँ पर गांव में मतलब छोटे जो अन्य मंदिर है यहाँ पर ये जो अवशेष है वे रखे गए और एक जो मूर्ति है उसे संरक्षित करके रखा गया है। तो आप से अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी देशवासी देख सके। तो यहाँ पर देखिए आप आपके वैयक्तिक वाहन से जा सकते हो अथवा मतलब नालंदा से जो इस्लामपुर जाने वाला मार्ग है यहाँ पर के जो वाहन है उनका इस्तेमाल कर आप इस बेसवाक गाँव में आ सकते हो। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। अठारह में ब्रॉडली ने इस तली के बौद्ध अवशेषों के बारे में जानकारी साझा की थी जिसका जिक्र ऐन अकबरी में परगना इस नाम से किया गया है जो प्राचीन काल में बड़ा शहर हुआ करता था। ब्रॉडली के अनुसार इस गांव में विशाल किला हुआ करता था जो आज भी संरक्षित है। साथ ही उन्होंने इस गांव में दो कुएं देखे थे जो आज भी देखे जा सकते हैं। यह सारे अवशेष पाला काल के होकर इनका निर्माण कार्य ईस्वी 9वीं से 10वीं सदी के दौर में किया गया है। यहाँ सन 1973 और 1974 में उत्खनन किया गया था। यहाँ के कुएं से विशाल भगवान बुद्ध की मूर्ति निकाली गई थी जो आज भी इस गांव में स्थित है। साथ ही यहाँ पर स्थित बौद्ध विहार के मलबे आज भी इस गांव के समृद्ध गौरव का एहसास दिलाते हैं। यह स्थल नालंदा से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड के बेसवाक इस गांव में। बेसवाक इस गांव के हम पहले स्थली देखने वाले हैं। यहाँ पर का एक श्री भगवती स्थान है। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हुई है, कुछ भग्न अवशेष हैं उसके हम जानकारी लेंगे। देखें यहाँ पर ये मंदिर है और मंदिर के परिसर में यहाँ पर मूर्तियाँ जो है खंडित पड़ी है। अंदर मुख्य मंदिर है और मंदिर के बाहर देखिए यहाँ पर एक पेड़ के नीचे
आपको ये मूर्तियाँ दिखाई देगी, ये सारी खंडित है। यहाँ पर एक बड़ी भगवान बुद्ध की और ये छोटे छोटे जो आप देख पा रहे हो यह अवलोकितेश्वर और बोधिसत्व की कुछ मूर्तियाँ हैं। यहाँ के पुजारी जी हमारे साथ हैं, स्थानिक, उनसे हम बात करेंगे। आइए पुजारी जी, यहाँ पर आपका नाम? मेरा नाम दीनानाथ पांडे हुआ। पांडे जी, ये जो मूर्तियाँ है ये कब पाई गई और आपको आपके गाँव? तो हमारे याद से पहले से रखा हुआ है। आपसे पहले से रखा? हाँ। इतनी थी और नहीं, हम 80 मूर्ति दिखाएंगे यहाँ। 80 मूर्ति कुछ यहाँ पर है। स्थान पे कितनी थी? इसी स्थान पर भी 30-32 था, लेकिन बहुत सारे लोग इधर उधर कर दिए। आर्कियोलॉजी वाले को लिखे गए क्या? ना, सब आर्कियोलॉजी वाले को नहीं लगे। नहीं लिखे गए? नहीं, यहाँ ले जाने के लिए सोचे थे लेकिन मैंने उनको रोक दिया। अच्छा, और कुछ ईटा मूर्ति रहेगी बिहार शरीफ में? नहीं, बिहार शरीफ देखा है 20-22 मूर्ति वहाँ पड़ी है, यहाँ पर 80 मूर्ति है। संग्रहालय यहीं बनवाया। ईटाओं का मलबा कुछ मिला है यहाँ से? और बहुत कुछ मिला है। चलिए देखते हैं आगे, स्थान से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। दूसरे स्थली पर आए हुए और दूसरे स्थली पर भी यहाँ पर महादेव स्थान नाम की जगह है। यहाँ पर एक शिवलिंग दिखाई देता है और उसके इर्द गिर्द ये छोटे छोटे जो अवशेष है, मतलब टूटी फूटी हुई जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर वज्रयान शाखा की, वे सारे हमें दिखाई देती है। देखिए, सेम एज इट इज़ जो अभी हमने देखी पाला काल की, वे है। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट गॉडेस्ट जो है विविध प्रकार के, वह हमें दिखाई देती है मूर्तियाँ। ये देखिए, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, भगवान बुद्ध का, बुद्ध की ये मूर्ति थी। इनके पैरों के ऊपर यहाँ पर धम्म चक्र हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, देखिए, अवलोकितेश्वर के और यहाँ पर जो शिल्प है वे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे इस स्थान से आगे के स्थान पर। चलिए, देखिए, अभी हम आए हुए हैं बेसवाग गांव के मुख्य स्थली के पास, जहां पर भगवान बुद्ध की भूभूमि स्पर्श जो मुद्रा में एक बड़ी मूर्ति है, विशाल है, लगभग 4.5 फीट की मूर्ति है। और देखिए इस मूर्ति को, देखिए इस मूर्ति को अच्छे से यहाँ पर फिक्स किया गया है। यहाँ पर से पहले बहुत चोरियाँ हुआ करती थी, इसके कारण इस मूर्ति को यहाँ पर इस प्रकार से रखा गया है। और इस मूर्ति के ऊपर एक लेख है जो कि भगवान बुद्ध का जो बृहद वाक्य है, मतलब भगवान बुद्ध ने जो कारण है दुख के वे सभी खोजे हैं, उसका वो पूरा प्रमाण है ये जो लेख आप देख पा रहे हो ये। और इस मूर्ति के बारे में हमें पांडित जी, इस पंडित जी जो है जानकारी देंगे। बताइए इस मूर्ति के बारे में कब रखा गया था? यह मूर्ति आगे एक खेत है, हाँ, गंगू गोप जी का, हाँ, और उसी जगह उनका कुआं है। हाँ, 30 बरस पहले तो कुआं से निकला था ये कमलासन, और 30 बरस के बाद जब दूसरा बोरिंग करने के लिए अग्रसर हुए तो जो गड्ढा खुदाई होता है पानी जमा करने के लिए, तो गड्ढा के खुदाई के क्रम में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली। अच्छा, ऐसे कितनी मूर्तियाँ मिली? ये एकमात्र है? अभी वहाँ पर तो एक एक को मिला था, अब इधर उधर गाँव में मिला है। अच्छा, और आपके गांव में जो बड़े बड़े खंडित स्मारक है उसके बारे में क्या जानकारी आपको? वो सब तो कब्रिस्तान में लोग बनाए हुए हैं कि कब्रिस्तान है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर बेगलर आए थे जो अंग्रेज अधिकारी हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर इस गांव की जो जानकारी है वह साझा की थी। इससे पहले हमने आपको इस चैनल के माध्यम से यह स्थली दिखाई थी और वहाँ का जो आगे का माउंट मूर्ति का जो मंदिर था वहाँ पर कोना पर था जी, वहाँ पर उसी जगह खेत के बगल में मिला था ये मूर्ति जी। जी, चलेंगे वहाँ पर भी? हाँ चलेंगे, न देखिएगा तो फिर बताइएगा। चलिए पंडित जी, वो बहुत बड़ा विहार है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सति, जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो मुख्य मूर्ति हमने देखी भूभूमि स्पर्श, उससे करीबन 150 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हमने इससे पहले भी आपको दिखाया था, ये देखिए एक बहुत बड़ा जो मोनेस्टिक एरिया है, मतलब यहाँ पर एक प्राचीन विहार था, उसके सारे भग्न अवशेष आप देख पा रहे हो इस गाँव के। और ऐसे
अनेकों टील है, पंडित जी बता रहे हैं। मतलब यहाँ पर इस गांव में ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रजवाड़े हुआ करते थे, यहाँ पर किले हुआ करते थे। देखिए यहाँ पर ये जो सारी स्थल है यहाँ के, मतलब बेसबाग के या फिर इस्लामपुर इस प्रखंड में के, इन सारे स्थलों के बारे में जो जानकारी है या फिर ये जो सारे स्थल है ये नोटेड है। अभी हम आए हुए हैं यहाँ के चौथे स्थान पर जिसका नाम है नेताऊ कुआं। यहाँ पर भी हमें बहुत सारे जो अवशेष है वो दिखाई देंगे और यहाँ पर एक कुआं है वो भी देखेंगे। और यहाँ पर देखें कुछ आपको जो अवशेष है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप ये जो शिवलिंग का ये बना हुआ जो ढांचा है उसके ऊपरी हिस्से में देखें जो मनोती स्तूप है, जो ओटियू स्तूप है, ओटियू स्तूप के ऊपर का जो छत है वो छत आपको दिखाई दे रहा है। और आगे एक मंदिर है। पंडित जी बताइए थोड़ा सा इस स्थान के बारे में। नेताऊ कुआं हाँ। के जल में औषधीय गुण पाया जाता है हाँ। जो जिस मनुष्य को खुजली कलकल जैसा चर्म रोग हुआ हाँ। इस कुएं के जल से स्नान करने मात्र से वह ठीक हो जाता है। अच्छा। और दूसरा चीज है कि गर्मी के दिन में इस कुएं के जल से चावल का भात बनाइए तो खराब नहीं होगा 24 घंटा तक। चौबीस घंटा तक पंडित जी यहाँ पर किस स्मारक के बारे में बताइए ना, जो यहाँ पे जो बिखरे हुए यहाँ पर भी। वो तो शिव मंदिर को बना दिया गया है नया, उसके नीचे कुछ था क्या? वो सब टूटा फूटा मूर्ति हो जो पड़ा हुआ है वो वहाँ से उठा के ले गया यहीं पर था? नहीं यहीं पड़ी था। देखिए आइए यहाँ पर देखिए ये अभी हमने ये स्तूप की छतावली देखी और इसके आगे देखिए यहाँ पर पेड़ है पीपल का। इस पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पर देखिए स्मारक के अवशेष जो है, मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा विहार हुआ करता था, मॉनेस्ट्री हुआ करती थी। उस मॉनेस्ट्री के जो अवशेष है, मतलब ये आप जो पाया देख पा रहे हो ये पाया ही बौद्ध विहार का है, जो कि विहार पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, खंडित हो चुका है। यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की आप खंडित मूर्ति देख पा रहे हो जो कि भूभूमि स्पर्श में है। और यहाँ पर बोधिसत्व के आप ये शिल्प देख पा रहे हो टूटे फूटे हुए पूरे। और यहाँ पर भी देखें यहाँ पर हमें गंधर्व वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी ये मूर्ति टूटी हुई है पूरी। और यहाँ पर एक मूर्ति थी, ये जो मूर्ति है ये पूरी तरीके से इस मूर्ति का सुपड़ा साफ हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये बेसबा Thank you.